रहीमा सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार को हुई तो बिहार के भी दो क्रिकेटरों को अलग अलग टीमों ने खरीदा और गोपालगंज के शाकिब हुसैन और दरभंगा के सुशांत मिश्रा की बोली लगी। वही दोनों को अलग अलग टीमों ने अपने खेमे में शामिल किया। ऑक्शन में बिहार के दो खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है। दरभंगा के सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस ने 2.20 करोड़ और गोपालगंज के साकिब हुसैन को केकेआर ने 20 लाख के बेस्ट प्राइस पर खरीदा है। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के तुमोल गांव निवासी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सुशांत मिश्रा फिलहाल माता पिता के साथ झारखंड में रहते हैं और वहीं से खेलते हैं। और दुबई में मंगलवार की देर रात तक चले ऑक्शन में दोनों का चयन आईपीएल के लिए हुआ। इस नीलामी में औरंगाबाद के विपिन सौरभ को कोई खरीदार नहीं मिल सका और गोपालगंज के रहने वाले भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के बाद अब इसी जिले के साकिब भी आईपीएल में हाथ आजमाएंगे। इसके पहले साकिब चेन्नई सुपर किंग में नेट बॉलर के रूप में शामिल थे। साकिब गोपालगंज के दरगाह शरीफ मोहल्ले के निवासी अली अहमद हुसैन के पुत्र हैं। वो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। अपने स्विंग गेंदबाजी से वो आईपीएल में जलवा बिखेरेंगे और बिहार को उम्मीद होगी कि साकिब आईपीएल में अपना जलवा बिखेरे और भारतीय टीम का भविष्य में हिस्सा बने। वही साकिब के कोच रूबिन और पूर्व कोच रहे सत्यप्रकाश ने कहा कि साकिब बेहतर गेंदबाज है और उसे आईपीएल में बेहतर टीम मिला है। बता दें कि साकिब का इसके पहले चेन्नई सुपर किंग में नेट बॉलिंग के रूप में चयन हुआ था। और दरभंगा के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के लहटा तुमोल सुहत पंचायत के तुमोल गांव निवासी सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस ने 2.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। सुशांत की मां ममता मिश्रा और पिता समीर कुमार मिश्रा झारखंड में रहते हैं और सुशांत की शिक्षा भी झारखंड से हुई है। उनके दादा रिटायर्ड शिक्षक कृष्णदेव मिश्रा अपने पोते की उपलब्धि पर बेहद खुश है। बता दें कि सुशांत मिश्रा झारखंड से क्रिकेट खेलते हैं और सुशांत अपने माता पिता के इकलौते संतान हैं और हाल ही में छठ पर्व के लिए वो माता पिता के साथ अपने गांव भी आए थे। वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।